दोस्तों, सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि मैंने बोला था कि दिवाली वैकेशंस जो हमारा रहेगा उसमें, क्योंकि जेल पुलिस का पेपर आने वाला है, तो उसी के मद्देनज़र मैं ये क्लास मध्य प्रदेश की करंट अफेयर की ले रहा हूँ, क्योंकि करंट अफेयर काफ़ी महत्वपूर्ण होता है जेल पुलिस के लिए। और जब वो पेपर देते हैं तो नज़दीकी करंट अफेयर ध्यान में रख के पेपर बनाते हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की। और आज देखिए, आज 12 नवंबर है, आज धनतेरस से बहुत बहुत शुभकामनाएं दोबारा से सभी को। और अपन शुरू करते हैं आज का मध्य प्रदेश करंट अफेयर। तो मध्य प्रदेश करंट अफेयर में सबसे पहले हम लोग देखिए सबसे पहले भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप जारी किया है। तो ये सबसे पहला जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश। तो ध्यान रखना है कि मोदी जी ने जो आत्मनिर्भर अभियान स्टार्ट किया था उसके चलते सबसे पहले मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर रोड मैप किस राज्य ने जारी किया? मध्य प्रदेश ने। और इसका नाम दिया गया है, इसका ऑथेंटिक नाम है मध्य प्रदेश रोड मैप 2023, यानी कि ये रहेगा 2023 के लिए। ठीक है, ये आप ध्यान रखते हैं, ये अथेंटिकेट नेम है। नंबर दो बात करें आत्मनिर्भर मध्य भारत मध्य प्रदेश रोड मैप में कितने तत्वों को शामिल किया गया है, मतलब आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश जो रोड मैप तैयार किया गया है उनमें कितने तत्वों को शामिल किया गया है? तो पहला आप लोग देखेंगे भौतिक अधोसंरचना, सुशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, रोजगार। तो कैसे हम लोग इन चार क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बन सकते हैं, तो उसका पूरा रोड मैप बताया गया है कि कैसे हम लोग रास्ते पर चलेंगे और मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश जो है कि बनाएंगे। तो ये चार क्षेत्र हैं, भौतिक अधोसंरचना है, सुशासन है, स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, रोजगार। नंबर तीन की बात करें हम लोग, ये आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप को किस संगठन के साथ में मध्य प्रदेश सरकार ने तैयार किया है? तो आंसर होगा नीति आयोग। नीति आयोग ने लगातार मध्य प्रदेश में जो है कि नेशनल वेबिनार आयोजित किए, कई विशेषज्ञों का सलाह मशवरा किया, उसके बाद में ये रोड मैप तैयार हुआ है। ध्यान रखना है नीति आयोग के CEO जो है वो है अमिताभ कांत। ठीक है भाई, अमिताभ कांत। तो अमिताभ कांत की बात करें तो अमिताभ कांत के द्वारा ये पूरा के पूरा जो है कि रोड मैप तैयार किया गया है नीति आयोग के CEO। नंबर नेक्स्ट कि अभी कौन सा ऐसा नगर है जहां पर मध्य प्रदेश के किसी एक CM के नाम पर रोड का नामकरण किया गया है? तो देखिए, कल 11 तारीख थी, 11 नवंबर था, 11 नवंबर को हमारे जो 11वें CM है सुंदरलाल पटवाजी, उनकी जयंती थी। तो उनकी जयंती के अवसर पर सुंदरलाल पटवाजी के नाम पर एक रोड का नाम रखा गया है। ये भोपाल शहर की एक रोड है, क्योंकि भोपाल स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर कल CM की समीक्षा थी और उन्होंने इसको पूरा जो है कि नाम दे दिया है। तो आप ध्यान रखना मध्य प्रदेश के 11वें CM सुंदरलाल पटवाजी के। पांचवा पॉइंट है, आज धनतेरस है, धन की वर्षा होगी, स्वास्थ्य की वर्षा होगी। ठीक है, तो ध्यान रखें मध्य प्रदेश में धन कुबेर की सबसे ऊंची प्रतिमा 12 फीट ऊंची है और ये है विदिशा संग्रहालय, विदिशा में है। छोटी चीजें हैं, ऐतिहासिक प्रश्न है, आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट 6 पॉइंट है, हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो विश्वविद्यालय है और केंद्रीय पहला बड़ा विश्वविद्यालय है और केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, ये सागर में है। और यहाँ पे सवाल पूछा जाएगा कि यहाँ पे अभी 6 शोधार्थियों को शामिल किया गया विशेषज्ञों की टीम को, वो किस यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट थी? तो वो रिपोर्ट थी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और USA के क्षेत्र में। और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इन 6 लोगों को शामिल किया शोधार्थियों को, ये विशेषज्ञ फार्मेसी क्षेत्र में है। ठीक है, ये फार्मेसी मतलब दवा क्षेत्र के लोग हैं। ठीक है,
भाजपा की 7 तारीख वो सॉरी 7वीं खबर जो है अभी ये जो है कि 9 नवंबर को प्रदेश में जिस तरह से अभी सीजन फेस्टिवल सीजन चल रहा है, लोगों को अच्छा खान पान मिले इसकी टेस्टिंग के लिए अभी पूरे प्रदेश में मिलावट से शुद्धि अभियान शुरू किया गया। डेट आप लोग ध्यान रखना है। इसका मीन्स ये है कि हर जिले में मोबाइल टेस्ट लैब होगी, ये यानी कि गाड़ी से लोग बाग जाएंगे टेस्टिंग करेंगे वहाँ पर कितनी शुद्धता है, तो ये आप लोग ध्यान रखना है। और लास्ट का हम लोग देखेंगे मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना 2020। तो बेसिकली ये स्टार्ट हुई थी 8 जुलाई 2020 से, जो गली कूचों में ग्रामीण क्षेत्रों में रेड़ी लगा रहे हैं ठेले लगा रहे हैं तो उनको जो है कि ऋण उपलब्ध कराने की एक बड़ी योजना थी। लेकिन आज 12 नवंबर है और आज मिंटो हॉल से हम लोग देखेंगे भोपाल से एक बड़े ऋण बांटने की शुरुआत मध्य प्रदेश के सीएम के द्वारा की जानी है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, एक बार रिपीट करते हैं। सबसे पहले भारत का पहला राज्य जिसने आत्मनिर्भर मॉडल पर पहला रोड मैप तैयार किया मध्य प्रदेश, नंबर दो कब तक के लिए 2023 है। उसके बाद में फिर ये कितने तत्वों को शामिल किया गया, 4 है, भौतिक है, दूसरा है सुशासन है, स्वास्थ्य शिक्षा है, अर्थव्यवस्था रोजगार है। किसने तैयार किया है, सी ये आपके नीति आयोग ने तैयार किया है। उसके बाद अभी किस कौन सी स्मार्ट सिटी में हमारे एक सीएम के नाम पर रोड का नाम रखा गया है, सुंदरलाल पटवाजी। उसके बाद में ये धनकुबेर की सबसे ऊंची प्रतिमा ये विदिशा में है, ठीक है। दोबारा फिर अभी कौन सी यूनिवर्सिटी ने हमारे हरी सिंह विश्वविद्यालय के फार्मेसी के 6 शोधार्थियों को अपनी विशेषज्ञ सूची में शामिल किया है, तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए की है। बाद बाकी प्रदेश में मिलावट से शुद्धि अभियान ये आपका 9 नवंबर को है और ये चले टेस्टिंग मोबाइल है। बाद बाकी मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर योजना के सबसे बड़े ऋण आज बांटे जा रहे हैं। वैसे ये योजना स्टार्ट हुई थी 8 जुलाई 2020 से और ये ग्रामीण क्षेत्रों में रेड़ी ठेले लगाने वालों के लोगों के लिए ये ब्याज कम ब्याज में जो है कि ऋण उपलब्ध कराने की योजना है। तो ये आज का हम लोग देख रहे हैं मध्य प्रदेश करंट अफेयर। सभी लोग अच्छे से दिवाली को मनाएं, पटाखे भी चलाएं थोड़े बहुत और जाके, और आपको दिवाली का पूजन भी अच्छे से करना है और साथ में आपको पढ़ना भी है। इसी के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद, मैं लगातार आपसे जुड़ा रहूँगा पूरी दिवाली वैकेशंस में। आप बिल्कुल चिंता ना करें, अच्छे से जेल पुलिस के पेपर की आपकी तैयारी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।